इस वक्त हम कोर्ट में रिकी के साथ मौजूद होते हैं, वेट कर रहे हैं। जो अहम बात है, पास्टर जी को कल फिर पुलिस ने मारा, क्या क्या किया था आपके साथ? सीट कर लेके गए, मुंह पे थप्पड़ मारा और मुझे कहा जो तूने गश्ती बुलाई है उसने हमें तंग किया, उसकी वजह से तुम्हें मार रहे हैं। और मुझे ये कहा गया, मैंने कहा मुझे बाइबल ले लेते, उन्होंने कहा चूड़े तेरी बाइबल पे भी पेशाब, ये कहा तेरी बाइबल पर भी पेशाब। और कहा गया अब हम तुम्हें बताएंगे सारे, तुम्हारे पर केस डालेंगे। अच्छा बस अब हौसला रखो, खुदा बैठा है, बेइंसाफ नहीं है, हम वकील है नहीं थाड़े। अच्छा जो अहम बात है, इस वक्त हम सब ये कोर्ट में ही हैं, वेट कर रहे हैं कि क्या फैसला जज साहब देते हैं। वकला मौजूद है हमारे। असल बात है कि पांच लोग, पास्टर जी पांच लोग और आपके साथ थे, कौन कौन थे जरा बताएं? जॉनसन मसीह और उसके वालिद नासिर मसीह और काशिफ मसीह और गुलफाम मुजीद और परवेज मसीह। जॉनसन मसीह को और गुलफाम को पेश किया गया, लेकिन तीन को नहीं पेश किया गया, ना काशिफ मसीह को और ना ही नासिर मसीह को और ना ही परवेज मसीह को। और उनको रोजाना सुबह वो कह रहे 7 बजे ले जाते हैं टॉर्चर सेल में ले जाते हैं थे और उनको बहुत मारा गया, बहुत मारा गया उनको। और जॉनसन कहता है उसने कोई आपके खिलाफ गवाही नहीं दी, जॉनसन कह रहा है अभी जाके फिर मारेंगे आप ये इनको। 13 साल का बच्चा है, कल जो तशद्दुद हम क्या दिखाते थे आपको डेरे पे, जहाँ लेके जाते क्या दिखाते थे आपको? मारते कूटते थे बहुत ज्यादा, बहुत मारते थे। और क्या कहते हैं आपको? चूड़ा कहते हैं, चूड़ा चूड़ा कहते हैं। इस वक्त हम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जज साहब क्या हेयरिंग करते हैं। और मैं तमाम क्रिश्चियन लीडरशिप को जो यहाँ पर है, इंसाफ अदल और इंसाफ के लिए खड़े हों। अपने नहीं मारते पाल साहब, नहीं मारते, अड्डी अंधी नहीं लगी, कर लिया जुलम जड़ा करना सिखा। जी जी, बुखला आए, बुखला बताएं, ब्रीफिंग दे क्या हुआ प्लीज। हाँ जी, क्या हुआ आज कोर्ट में, क्या कार्रवाई हुई है प्लीज बताएं? आज रिमांड के लिए इनको पेश किया है, जो पुलिस है वो इनका 14 दिन के लिए रिमांड मांगते हैं, लेकिन हमने जो पूरी अपनी जो आर्गू की है और हमें उम्मीद है कि आज हम इनको जुडिशल करवाएंगे, क्योंकि जिस FIR में इनको नॉमिनेट किया गया उसमें ये खुद ही कंप्लेनेंट है और अब बाद में इनको इसमें मुजरिम बना दिया गया। उसमें तो अभी चलान भी नहीं हुआ, चलान के बगैर कैसे कि वो ये 182 की कार्रवाई इनका शुरू कर दिया? कैसे उसको मुलजम बना दिया? कल तक तो पुलिस के पास कुछ नहीं था। जी, मैं गुजारिश करता हूँ, बात यह है कि आज इनको रिमांड के लिए पेश किया गया है। सबसे बड़ी बात जो होती है ना, मैं कोर्ट में भी ये अर्ज कर रहा था जज साहब से कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसका प्रोसेस होता है। चलो चलो, इधरों जड़ा लो, इधरों सामने।